बाद ये जो मेल फंक्शन लाइट होती है, अगर इसमें इसके ECU में कोई भी एरर आता तो ये लाइट जो है स्टार्ट होने के बाद जली रहती है, बट यहाँ बंद हो रही है, इट मीन्स कि कोई एरर नहीं है, कोई कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी योर ब्रदर दानिश, होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया होगे, मैं बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। आज की वीडियो में बेसिकली अभी भाई आने वाला है अपना कानपुर से आ रहा भाई, ये लगा लो आप, मतलब कि रिलेशन है कुछ नोएडा में भी बंदे का, तो बाइक खरीदी नोएडा से ही बट आया कानपुर से ही है, ठीक है। तो भाई को लगाना है अपनी बाइक में कंट्रोल स्विच, वो भी यू नो मिंडा का, जो अपनी पुरानी वाली पैशन प्रो, एक्स प्रो, स्प्लेंडर प्रो में आता था पासिंग वाला, ठीक है। तो वो वाला कंट्रोल स्विच लगवाना है, बिना वायरिंग कट लगाना है, ये चैलेंज रहने वाला है। तो इसे हम लगाएंगे अपनी बाइक के अंदर, कैसे होगा कैसे नहीं सब आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। स्टे ट्यून्ड गाइस, मज़ा आने वाला है बहुत, और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, जितने भी ऐसे डीलर्स वाले भाई हैं उनको नई चीज़ सीखने को मिलेगी और वो अपनी बाइक में ये काम करा सकते हैं। तो आने दो बाइक को, फिर उसके बाद भाई से मिलवाते हैं और दिखाते हैं आपको काम, ठीक है, स्टे ट्यून्ड। तो हमारे पास आ रहा है HF डीलर्स UP 16 नोएडा से, और बाकी जितने भी HF डीलर्स वाले भाई हैं BSE कंप्लेंट की बाइक जो खरीद रहे हैं उनको मैं बता दूं, अगर वो चाहते हैं कि ये वाला कंसोल, ये जो लगा हुआ है, सॉरी ये जो कंट्रोल स्विच है, ये हटा के दूसरा पासिंग वाला लगवाना चाहते हो तो वो लग जाएगा इस बाइक के अंदर विदाउट वायरिंग कट, ठीक है जी। कैसे लगेगा आपको पता चलेगा इसी वीडियो में, स्टे ट्यून्ड गाइस। तो वायर ओपन हो चुका है दोस्तों, ठीक है जी, ये हो गया आपका लाइटर कपलर, ठीक है जी, और बाकी वायरिंग ये है। अभी ये जो कंसोल है, कंट्रोल स्विच जिसे बोलते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, पासिंग वाला स्विच नहीं मिलता, लाइट ऑन ऑफ का नहीं मिलता, सिर्फ हाई बीम लो बीम का मिलता है, टर्न इंडिकेटर्स और हॉर्न का मिलता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको रिप्लेस करने वाले हैं। एक बार स्विच दिखाना भाई, कौन सा लगाने वाले अपन, निकाल के दिखाओ ना। तो भाई कंपनी रहने वाली है यूनो मिंडा जो है वो समझ लो जानी मानी कंपनी रहने वाली है। मिंडा एक ऐसी कंपनी जो लाइट भी बनाता है, वायरिंग भी बनाता है, स्विच भी बनाता है, और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ बनाता है, इवन आजकल तो ये लगा लो बैटरी जो होती है बाइक की वो भी बनाने लग गया है मिंडा। तो ये कुछ ऐसा स्विच जो है रहने वाला, देख सकते हैं इसमें अपना सब कुछ मिलेगा, साथ में इसको ऑपरेट करने के लिए, इसको चलाने के लिए बेसिकली हमारे को एक डेडिकेटेड जो है रिले लगानी पड़ती है, जो कि रहने वाली है अगेन ये कौन सी यूनो मिंडा ये भी। तो भाई जो कपलर खोल लो दन, ये कौन कौन से कपलर खोल दिए, इसके खोले कंट्रोल स्विच के, ठीक है। और इसे लगाने को कोई वायरिंग कट कुछ नहीं, वो डायरेक्ट लग जाएगा, चलो ठीक है लगाओ भाई। तो दोस्तों देखो कुछ ये कंट्रोल स्विच ना जो हम लगा रहे हैं वो कुछ इस तरीके से है, देखो इसमें अपने को पासिंग मिल जाता है लाइक दिस, ठीक है, लाइट ऑन ऑफ मिल जाता है, हाई बीम लो बीम मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर के लिए मिल जाता है, और पी बीम हॉर्न मिल जाता है, ठीक है। वायरिंग हारने जैसे तो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, जो वायर है वो पूरी कवर हो रही है देख सकते हैं आप, ठीक है। इसमें क्या है कि आपके कोई शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस भी नहीं है, और प्लस सबसे अच्छी बात ये लगाने के लिए कोई भी आपकी वायर कट नहीं होगी, ठीक है। जो चीज़ ओरिजिनल है वो ओरिजिनल रहने वाली है, और ये भी कंट्रोल स्विच जो है कंपनी का ही रहने वाला है, ठीक है जी। बाकी ये फिट हो जाएगा ना, मैं आपको फिट करके प्रॉपर तरीके से फिर उसके बाद दिखाऊंगा किस तरीके से काम करता है, टर्न इंडिकेटर वगैरह काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हॉर्न बज रहा है कि नहीं बज रहा, सब चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा इसी वीडियो में, स्टे ट्यून्ड वाइज। दोस्तों यहाँ पर जो है ना कनेक्शन हो चुके हैं, जो रिले थी ना वो इस कपलर में लगा दी गई है देख सकते हैं आप, और बाकी जो कनेक्शन है वो हो रहे हैं अलग से, जो तार ऐड ऑन हो रहा है वो देख सकते हैं, इस वाली जो पत्ती है कपलर की जो पिन है, ये वाली पिन जो होती है इसको थिम्बल बोलते हैं बेसिकली, तो इस थिम्बल में लगाकर और दूसरी जगह में अटैच कर देंगे, बस यही मैकेनिज्म है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी हैंडल पे जो है हमारा कंट्रोल स्विच जो है वो माउंट हो चुका है देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से दिखता है बाइक में लगने के बाद, ठीक है जी। इसमें हमारे को मिल जाती है फैसिलिटी पासिंग की, पासिंग के स्विच जो है भाई काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है एक तरह से, मतलब एक अलग ही क्रंच सा मिल रहा है, ठीक है जी, क्रंची सा एकदम से कड़क कड़क, ठीक है। और यहाँ पे पकड़ दो पार्किंग, ऊपर कर दोगे तो मेन आपकी हेडलाइट ऑन हो जाती है, ठीक है, इसको कर देंगे नीचे बंद, या हाई बीम लो बीम मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं, बीच में दबाओगे तो बंद हो जाएगा, ठीक है, नीचे हॉर्न मिल जाता है। बाइक कनेक्शन कर दे दो, आपको कनेक्शन करने दो, फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है। बाकी वायरिंग वायरिंग कोई कट नहीं हुई है। भैया कहाँ से आए थे भैया आप, हैं भैया कानपुर, ठीक है, तो भैया कानपुर से आए, लेकिन गाड़ी नंबर UP 16 नोएडा लग रहा है वहीं से लिए, ठीक है। तो अभी सीन ये है कि भाई आए कानपुर से, नोएडा से बाइक खरीदी थी, और ये सिर्फ यही कराने आए थे ना भैया, ठीक है। तो हमारी वीडियो देखी थी इन्होंने स्प्लेंडर वाली, तो अभी आपके सामने कनेक्शन करें, भाई ने कोई तार तो नहीं काटी, नहीं कोई तार काटी, सही है, सेटिस्फाइड हो, चलो ठीक है भाई। तो भाई सेटिस्फाइड है, भाई के सामने सारा काम हुआ है ट्रांसपेरेंसी के साथ, ठीक है जी। देखो ये तार जो जोड़ा है ना, ये ऐसा करा है, कोई ओरिजिनल वायर नहीं कट करेंगे, ठीक है। तो बाइक का वायर जो है कंप्लीट फिट कर दिया है, ठीक है, सारी चीज़ें फिट कर दी है, वायर देखो बिल्कुल भी हिल रहा है, ठीक है। फटाफट से आपको मैं दिखाया था, भैया न्यूट्रल करना बाइक, न्यूट्रल करो न्यूट्रल, तो बाइक न्यूट्रल हो गई है, ठीक है जी। यहाँ पे मेल फंक्शन लाइट आ रही है या न्यूट्रल लाइट आ रही है, ठीक है। अगर पासिंग की बात करूँ तो ये देखो पासिंग दबाऊंगा, यहाँ पास हाई बीम काम कर रहा है, ठीक है, और वहाँ पे लाइट जो है ग्लो कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया, बाकी टर्न इंडिकेटर देखते हैं, तो ये काम कर रहे हैं, ठीक है जी।
इसको कर देते बंद। और बाकी यहाँ से देखो ये पार्किंग ऑन करा, मीटर में लाइट जल गई, अभी हमने बल्ब लगाए इसमें दो LED बल्ब, ठीक है। बाकी भैया ने ऑर्डर किया हुआ है। और फ्रंट हेडलाइट में जो है ना पार्किंग बाय डिफॉल्ट कंपनी देती नहीं है, इस वजह से यहाँ पे लाइट तो जलेगी नहीं। बाकी पीछे की टेल लाइट जो है वो मे भी ऑन हो गई होगी, ऑन हो गई है, देख सकते हैं आप, ठीक है। और बाकी यहाँ मीटर ऑन हो चुका है, ठीक है। और बात करें इसकी, ऊपर कर देंगे तो ये अपना ऑन हो गया है, और यहीं से इसको हाई बीम कर देंगे, हाई बीम की लाइट ऑन हो गई, हाई बीम हो गया, देखो ये लो ये हाई, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। और बाकी इसका जो फंक्शन है बिल्कुल बढ़िया। बाकी गियर में डालना गाड़ी पूरी, क्लच दबा लो क्लच, अब देखते हैं क्लच दबा के गियर में स्टार्ट हो रही नहीं हो रही। तो दोस्तों मतलब क्लच दबा के गियर में स्टार्ट हो रही है बाइक, और सबसे अच्छी बात है न्यूट्रल कर दो न्यूट्रल सब। तो अब सबसे अच्छी बात ये है इसके अंदर के, देखो सारी वायरिंग वायरिंग करी, इसको एक्स्ट्रा जो है स्विच ये लगाया, इसको चलाने के लिए रिले लगाई, उसके बाद ये जो मेल फंक्शन लाइट होती है, अगर इसमें इसके ECU में कोई भी एरर आता तो ये लाइट जो है स्टार्ट होने के बाद जली रहती है, बट यहाँ बंद हो रही है। इट मीन्स कोई एरर नहीं है, कोई कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ परफेक्टली वर्किंग है, ठीक है। आपको क्रॉस चेक कराया था, हॉर्न वर्किंग है, इंडिकेटर यहाँ बिलो हो रहा है, देख सकते हैं आप, ये राइट वाला हो रहा है, पासिंग का आप देख सकते हैं रोशनी उधर, ठीक है जी, सब काम कर रहा है, हेडलाइट भी ऑन ऑफ हो रही है, और बाकी आपके मीटर के बल्ब भी ऑन हो रहे हैं, ठीक है। बाकी एक्सीलेटर गियर में बाइक स्टार्ट हो रही है, सारा काम ओके रिवोर्ट में काम कर रहा है, ठीक है। मामला एकदम जहर हो गया है। बाकी भैया से रिव्यू ले लेते हैं, भैया कैसा काम हुआ है? ठीक हुआ है, एकदम बढ़िया, आना वसूल हो गया, चलो सही है, संतुष्ट हो ना वायरिंग वायरिंग को लेकर, चलो ठीक है भैया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, छोटा सा काम छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि भाई HF डीलक्स में भी कंट्रोल स्विच लग सकता है पुराने वाला, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो क्या करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय।